हिमाचल में हुनर की कोई कमी नहीं है। देवभूमि हिमाचल के युवाओं का हुनर सर चढ़कर बोलता है। जिला मंडी के तहसील थुनाग की कंडा बक्सियाड़ पंचायत के शेटली गांव के निवासी ने कबाड़ से एक ऐसा जुगाड़ किया है कि आप देखकर जरूर आश्चर्यचकित होंगे। ओम प्रकाश बचपन से ही अपनी क्रिएटिविटी के लिए जाने जाते हैं और नित नए आविष्कार करते रहते हैं। इस बार ओम प्रकाश ने कोरोना संक्रमण के खतरे को कम करने व इसे फैलने से रोकने के लिए घर में पड़ी बेकार चीजों से एक ऐसा गेट तैयार किया है जिसकी चौतरफा तारीफ हो रही है और लोग दूर दूर से इस आविष्कार को देखने आ रहे हैं। ओम प्रकाश ने कहा कि उनकी माता माया देवी कोरोना वायरस के खौफ से चिंतित रहती थी, तो उनके मन में आया कि क्यों ना कुछ अलग किया जाए। इसी कड़ी में उन्होंने घर में बेकार पड़ी चीजों का इस्तेमाल करके घर के दरवाजे पर एक गेट तैयार कर डाला जिसमें प्लास्टिक लगाया गया है। इसके अंदर पिट्ठू स्प्रे पंप लगाया गया है और चार्जिंग सुविधा भी इसके अंदर ही मौजूद है। इसकी नोजल गेट के ऊपर लगाई गई है और फर्श पर पैर रखते ही खुद ब खुद स्प्रे होने लगेगी। अब जब भी कोई व्यक्ति घर के अंदर प्रवेश करेगा तो उसके मुख्य द्वार पर प्रवेश होते ही उस पर सैनिटाइजर की स्प्रे हो जाएगी। ओम प्रकाश ने बताया कि उन्होंने इसे मात्र 7-8 घंटों में तैयार किया है और इसका नाम शिकारी माता के नाम पर रखा गया है। ओम प्रकाश ने बातचीत में कहा कि कोरोना वायरस के चलते उनकी माता काफी परेशान थी, तो उन्होंने जुगाड़ से एक सैनिटाइजर युक्त गेट बनाने की सोची। अब घर के अंदर प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति स्वयं ही सैनिटाइजर होकर घर के अंदर प्रवेश करेगा। यह एक छोटा सा प्लास्टिक का डोर बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि इसमें प्लास्टिक लगाया गया है और इसमें चार लकड़ी की स्टिक पर यह खड़ा किया हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने जो है जिसको हम जो पीठ का पंप होता है स्प्रे का, जिसे पिट्ठू पंप भी कहते हैं, वो रखा हुआ है। इसके अंदर हमने पानी में सैनिटाइजर मिला के रखा होता है और इसी की पाइप जाती है जो कि आगे इसके नोजल लगी होती है और यहाँ पर इसको चार्जिंग सिस्टम वगैरह सब कुछ पूरा तैयार किया हुआ, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो इसमें रखा हुआ है। तो उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो इसका फर्श है, इस फर्श में एक सिस्टम लगा हुआ है जिस पर पांव रखते ही ऑटोमेटिकली ये स्प्रे सिस्टम ऑन हो जाता है और इसमें आप देख सकते हैं कि जब भी कोई आदमी गुजरेगा तो स्प्रे ऑटोमेटिकली हो जाएगा और जैसे ही कोई इस पर पांव रखेगा तो ये स्प्रे। आपको बता दें कि ओम प्रकाश शिमला में आईटीआई की पढ़ाई करने गए थे लेकिन हार्ट संबंधी समस्या के चलते इनकी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। लगभग 13 वर्षों बाद ठीक होने के उपरांत अपनी कलाकारी से अनेकों प्रयोग कर रहे हैं। पेशे से ओम प्रकाश एक कुशल बागवान हैं। उन्होंने कहा कि आईटीआई करने का सपना था और जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित किया था जिससे कि आगे बढ़ा जा सके, परंतु स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया इसलिए घर पर ही अब इस तरह की गतिविधियां करते रहते हैं।